मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, हम में से कई बार कई लोगों के साथ होता ये है कि रात को सोते वक्त उन्हें अचानक नींद में झटके से महसूस होते हैं। उन्हें ख्वाब में ऐसा लगता है कि वो कहीं से गिर रहे हों या गहरी नींद में सोते हुए वो अचानक से उछल पड़ते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हाई पैनिक जर्क का शिकार हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और क्यों नींद में हमें झटके आते हैं। दरअसल, जब रात को आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अचानक आपको झटके आने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सपना देख रहे होते हैं। कभी कभी तो आप अचानक चिल्लाने भी लगते हैं। इस अवस्था को हाई पैनिक जर्क कहा जाता है। एक रिसर्च की माने तो दुनिया भर में 70% लोग इस स्थिति को ज़रूर महसूस करते हैं। आखिर हाई पैनिक जर्क होता क्या है? तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई रोग होता है और ना ही ये कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है। दरअसल, सोने और जागने के बीच का वक्त हाइपोजेनिक स्टेज कहलाता है, जिसमें आप समझ नहीं पाते कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ये एक दिमागी रिएक्शन है जिसमें दिमाग की नसों में संकुचन होता है और आप संभल भी नहीं पाते। इसीलिए नींद में आप जो भी देखते हैं वो आपको सच लगता है। इसी वजह से आप गिर भी जाते हैं या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। बात करें अगर इसके पीछे की वजह की तो हाई पैनिक जर्क का मुख्य कारण तनाव, चिंता और अवसाद है। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में दिन भर थकने के बाद भी आप देर रात टीवी देखते रहते हैं या काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग को सही तरीके से आराम नहीं मिल पाता। वैसे तो कभी कभी ये डिसऑर्डर जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम दिमाग को रेस्ट ना मिलने की वजह से होती है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम निद्रा, अनिद्रा की स्थिति, कैफीन की ज़्यादा मात्रा लेने, शराब, धूम्रपान का सेवन करने, आयरन की कमी और मांसपेशियों की ऐंठन की वजह से होती है। कई बार ये समस्या उत्तेजित करने वाली दवाओं की वजह से भी हो जाती है। बात करते हैं अब इससे बचने के उपायों के बारे में। छोटा हो या बड़ा, हर इंसान के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। अपनी नींद पूरी करें और रोज़ाना सुबह एक ही वक्त पर उठने की कोशिश करें। सोने से पहले गर्म पानी से नहाकर सोएं ताकि आप सोते वक्त रिलैक्स हो जाएं। बात करेंगे दूसरे उपाय की। रात को सोने से पहले ये नियम बना लें कि आपको कभी भी कॉफ़ी, चाय, कैफीन या सोडा बिल्कुल भी नहीं पीना है। इसके अलावा रात को सोने से पहले कोई भी तनावपूर्ण काम ना करें और ना ही दिमाग पर जोर पड़ने वाला कोई भी काम करें। बात करेंगे तीसरे उपाय की। कई बार आयरन की कमी की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसे में आप अपनी डाइट में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करें। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए रोज़ दूध, दही, केले और नट्स खाएँ। बात करेंगे चौथे उपाय की। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए दिन के साथ साथ रात को भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है और इससे रात को आप ठीक से सो नहीं पाते। इसीलिए अपना समय बदलें और सोने से 6 घंटे पहले ही एक्सरसाइज कर लें। तो अभी हमने आपको बताया कि आखिर किस वजह से रात को सोते समय कई लोगों को झटके महसूस होते हैं। उम्मीद करते हैं हाई पैनिक जर्क के बारे में दी गई ये खास जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।